हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित 10 बहुत ही चयनित और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो राजस्थान के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये क्विज अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? विकल्प है पाबू जी, देव जी, तेजा जी या गोगा जी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और सही विकल्प सोच के लिख लीजिए, फिर आगे आंसर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सही विकल्प क्या है और आप मैच कर लीजिए। सही विकल्प है गोगा जी। थोड़ा विस्तार से जान लें इसके बारे में। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित गोगा मेड़ी में प्रति वर्ष भाद्रपद नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, को विशाल मेला भरता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? विकल्प है परेल, शुतुरमुर्ग, घोड़ावर्ण या सारस। और सही उत्तर है घोड़ावर्ण। 1981 में घोड़ावर्ण राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन वस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मीला पक्षी है और इसे पाल, मोरड़ी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोरियोस्टिक नाइग्रीसेप्स है। घोड़ावर्ण को सारंग, कुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखें आज का अगला प्रश्न। रम्मत क्या है? लोकनाट्य, संगीत नाट्य, चित्रकला शैली या नशे का प्रकार। और सही उत्तर है लोकनाट्य। लोकनाट्य, जो ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्यमय रचनाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है, उसे रम्मत कहते हैं। यह जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित है। आज का अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विकल्प है 20, 25, 30, 40। और सही उत्तर है 25। राजस्थान के कुल 25 लोकसभा सदस्य एवं कुल 10 राज्यसभा सदस्य संसद के लिए चुने जाते हैं। क्विज को आगे बढ़ाते हुए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हम मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? विकल्प है डिंगल, पिंगल, संस्कृत या फिर हिंदी। और सही उत्तर है संस्कृत। जोधराज द्वारा रचित हम्मीर रासो नामक ग्रंथ में रणथंबोर के हम्मीर देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? विकल्प है उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर या डूंगरपुर। अगर आपको हमारे आज का ये पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारे आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट सजेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डूंगरपुर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लें इसके बारे में।
डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्रों का प्राचीन नाम बांगर है, अतः वहाँ की भाषा बांगड़ी कहलाती है, जिस पर गुजरात का प्रभाव अधिक है। डॉक्टर ग्रियर्सन इसे भीली बोली भी कहते हैं। आज का अगला प्रश्न देखें, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन थे? विकल्प है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरे लाल बयां या हीरालाल शास्त्री। और सही उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। थोड़ा विकल्प थोड़ा विस्तार से जान लें, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, परस राम तथा दयाशंकर क्षेत्रीय के साथ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आज का अगला प्रश्न देखें, मांडल किससे संबंधित है? विकल्प है स्थान, वाद्य यंत्र, बरसात के बादल या मादा शेरनी। और सही उत्तर है वाद्य यंत्र। मांडल मृदंग आकृति का एक प्राचीन लोक वाद्य है जो मिट्टी का बना होता है। इसका एक मुंह छोटा व एक बड़ा होता है, जिसे क्रमशः नारी और नर कहते हैं। भील गबड़ी नृत्य के समय तथा गरासिया व डांगिये नृत्यों में काम लेते हैं। इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानना जाता है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाई जाती है? विकल्प है पाली, नागौर, जमशेदपुर या हजारीबाग। और सही उत्तर है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में जिप्सम के अकूत, अछूते और असर्वेक्षित क्षेत्र के दो तिहाई भंडार पाए जाते हैं। भूतत्व वेदताओं का अनुमान है कि अकेले नागौर में 95 करोड़ टन से भी अधिक जिप्सम के भंडार उपलब्ध हैं। क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? विकल्प है यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी या फिर लूनी नदी। और सही उत्तर है चंबल नदी। चंबल की सहायक नदियों में बनास, कालीसिंग, पार्वती ये नदियां शामिल हैं। GK for All YouTube चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आपको हमारे आज का ये क्विज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारे आज का ये क्विज कैसा लगा। थैंक यू।